हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 8 ऑफ ज्योग्राफी नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट, मेडिटेरियन एंड कन्फरियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट ग्रासलैंड, डेजर्ट एंड टुंड्रा वेजिटेशन। ओके, when we talk about natural vegetation, it implies all vegetation that grows under the care of nature without any human interference. Natural vegetation varies from region to region on earth. The variation is due to the altitude of a place, temperature, rainfall and nutrition from the soil. देखिए होती क्या है नेचुरल वेजिटेशन। सबसे पहले हम जिस चैप्टर का नेम है नेचुरल वेजिटेशन, जैसे कि आप नाम से ही जान रहे हो नेचुरल, जो चीज़ नेचुरल है, नेचुरल ग्रो होती है, ह्यूमन उसमें किसी तरह का इंटरफेयर नहीं कर सकती, सच एज अ ट्री, रिवर्स, ओके, माउंटेन्स। तो ये जो सारी जो चीज़ें हैं वो कैसी हैं, नेचुरल हैं। तो नेचुरल वेजिटेशन लाइक एज वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये क्या है, नेचुरल ग्रो होती है, नेचुरली ग्रो होती हैं। तो ऐसी चीज़ें जो नेचुरली ग्रो होती हैं, ह्यूमन का उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं होता है, दैट इज़ कॉल्ड द नेचुरल। अब नेचुरल वेजिटेशन जो है सभी प्लेस पर सेम नहीं होती, रीजन टू रीजन अलग अलग होती है। वो डिफरेंस किस लिए होता है, क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द वहाँ का क्लाइमेट, ओके, वहाँ पर टेम्परेचर कैसा है, वहाँ पर रेनफॉल कैसी होती है, वहाँ की सॉइल जो है वो किस टाइप की है। नेचुरल वेजिटेशन ऑफ एन एरिया इज द नेचुरल हैबिटेट दैट सस्टेन्स द वाइल्ड लाइफ ऑफ द एरिया। नेचुरल वेजिटेशन कैन बी मेनली क्लासिफाइड इनटू फॉरेस्ट। नेचुरल वेजिटेशन को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड श्रब्स, थ्री टाइप्स से डिवाइड होता है नेचुरल वेजिटेशन। तो थ्री टाइप्स में डिवाइड हो गया, फर्स्ट हो गया आपका फॉरेस्ट और नेक्स्ट हो गया आपका ग्रासलैंड एंड द श्रब्स। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेट कंडीशन ऑफ एन एरिया। जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस पर डिपेंड करता है, वहाँ के क्लाइमेट कंडीशन पर। जो फॉरेस्ट है आपके, फॉरेस्ट ग्रो वेल इन रीजन विच हैव ए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन रीजन विच रिसीव मॉडरेट रेनफॉल। ओके, एंड द श्रब्स आर फाउंड इन ड्राई एरियाज दैट आर बहुत हॉट एंड कोल्ड। जो बहुत हॉट भी होगा, कोल्ड भी होगा, ऐसे एरियाज में आपको क्या मिलेंगे, श्रब्स। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द फॉरेस्ट। जो आपकी पिक दी हुई है इसमें आपको डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर फॉरेस्ट शो किए गए हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट आर लार्ज रीजन ऑफ कंटिन्यूस लैंड वेयर ट्रीज ग्रो क्लोजली टुगेदर। दे आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ क्लाइमेट। देर आर सिक्स टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में हमारे सिक्स टाइप्स के फॉरेस्ट हैं। फर्स्ट हैं आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट, मेडिटेरियन फॉरेस्ट एंड द कॉनिफरियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कौन से होते हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द इक्वेटोरियल एंड द ट्रॉपिकल जोन्स वेयर रेनफॉल इज मोर देन 200 सेंटीमीटर एंड टेम्परेचर इज अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस टू 13 डिग्री सेल्सियस। ये फीचर्स हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन की फॉरेस्ट को आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे। दे आर फाउंड इन द रिवर बेसिन ऑन द ऑफ द अमेजन इन साउथ अमेरिका, कॉन्गो बेसिन इन अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज इन इंडिया। दे आर फाउंड ऑन द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। द ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर वेरी टॉल, बहुत लंबे होते हैं एंड हैव ब्रॉड लीव्स। द फॉइलेज फॉर्म्स अ थिक कैनोपी एट द टॉप। बिकॉज ऑफ द थिक कैनोपी
सनलाइट डज नॉट रीच द ग्राउंड। ऊपर से इतने घने होते हैं कि जो सनलाइट है वो नीचे तक नहीं पहुंच पाती है। दस द अंडरग्रोथ इज लिमिटेड टू मॉसेस एंड फर्न्स। द क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स टेक द सपोर्ट ऑफ द ट्रीज। ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट डू नॉट शेड देयर लीव्स। ध्यान रखिए, ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट डू नॉट शेड देयर लीव्स एट द सेम टाइम एंड दस अपीयर ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। ये जो ट्रीज हैं सेम टाइम में अपनी पत्तियां जो है लीव्स नहीं करते हैं, इसीलिए क्या होता है ये पूरे साल आपको हरे भरे दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल्स हैं इनके हार्डवुड ट्री सच एज माहोगोनी, इबोनी, रोजवुड, सैंडलवुड, रबर एंड बैम्बू। दीज फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड, इनको अदर नाम से भी हम जानते हैं, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट और सेल्वास। वाइल्ड लाइफ कैसी है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में, जानवर कैसे रहते हैं, किस तरह के जानवर मिलते हैं आपको। द रेन फॉरेस्ट आर होम टू ए वैरायटी ऑफ मंकीज। मंकीज देखने को मिलेंगे आपको कई तरह की वैरायटी के, एप्स, स्लॉथ्स, बैट्स एंड ट्री लिजार्ड्स। कार्निवोरस एनिमल्स लाइक पुमास एंड जॉगर आर फाउंड हेयर। द स्वैम्पी एरियाज ऑफ दिस फॉरेस्ट अबाउंडेड टर्टल्स, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स एंड हिप्पोटैम्सस। कलरफुल बर्ड्स सच एज पैरट एंड टैकून्स आर आल्सो फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। नाउ ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट आर आल्सो नोन एज द मॉनसून फॉरेस्ट। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन रीजन वेयर रेनफॉल इज अराउंड 150 सेंटीमीटर एंड द टेम्परेचर इज अबाउट 20 डिग्री सेल्सियस टू 48 डिग्री सेल्सियस। दे आर फाउंड इन एशियन कंट्रीज सच एज इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, फिलीपींस एंड साउथर्न चाइना। हमारे यहाँ जो मिलते हैं वो ट्रिपिकल ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट है। द ट्रीज ऑफ ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग ड्राई सीजन एंड ग्रो न्यू वंस इन रेनी सीजन। देखा होगा हमारे यहाँ पर जो लीव्स हैं क्या होती हैं, पेड़ जो है अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं ड्राई सीजन में, और जब रेनी सीजन होता है तो न्यू लीव्स उन पर ग्रो होती हैं। द ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर नॉट वेरी टॉल, देयर इज अ थिक अंडरग्रोथ ऑफ श्रब्स एंड स्मॉल ट्रीज। ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट आर टीक, साल, सैंडलवुड, शीशम, बैम्बू एंड इक्विलिप्टस। वाइल्ड लाइफ इन ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, टाइगर, लायन, लियोपार्ड्स, एलिफेंट्स, बियर्स, मंकीज, डियर, राइनोसर्स एंड अ वराइटी ऑफ स्नेक्स आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। अ वराइटी ऑफ बर्ड्स लाइक हॉर्नबिल्स, पिकॉक एंड वुड पैकर्स आर आल्सो फाउंड हेयर। ट्रॉपिकल नाउ टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन वार्म टेम्परेट रीजन अलोंग विद द ईस्टर्न मार्जन ऑफ द कंटिनेंट्स। दीज रीजन्स एक्सपीरियंस मिल्ड विंटर्स एंड हैवी